आपके घर पे कंजक पूजा है ना, समायरा के बड़े मामू ने हमें भी बुलाया है। I'm telling you, reunion यही करवाएंगे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं और मेरी मॉम और ये स्टूपिड डियर। रिकी नो, सॉरी, दरअसल मेरा बड़ा बेटा है ना रिकी, वो अपनी छोटी बहन रीवा के बाल भी ऐसे खींचता था। अब देखो जिया दिया। हाय। हाय। ये लड़कियां पलक की बेटियां हैं। They're fucking bitches back. और जो गंदगी फैलाई थी ना विक्रांत के साथ, उसको लाके मेरे मुंह पे मारा है। वो मैंने रिकी भाई को यहाँ दिया के साथ आते हुए देखा, मैं भाई का रिएक्शन देखना चाहता था। मॉम सब कुछ उल्टा हो गया। शिवम, तुमने मुझे कहा कि पलक के साथ दो बच्चे हैं, रिकी के। इस पलक मूव्ड ऑन, क्या वो विक्रांत के बच्चे हैं? नो मॉम, नो प्लीज। पहली बात तो भाई ने सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, लेट मी टेल यू दिस थिंग। और जो भी कुछ पास्ट में हुआ है ना, सबसे पहले भाई की वो जो भी रियल मॉम है उनके वजह से पावर भाई लाइक गोल्ड डिगर, ये सब कुछ गलत हो रहा है। ऊपर से भाई ने इतना कुछ सुना दिया उन्हें, इतने कुछ ताने दे दिए, उसके बाद आपने कुछ अलग ही राय दे दी। आई एम सॉरी टू से, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वाज अ वेरी स्टूपिड आइडिया। जो पास्ट में हो गया उसको मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। शिवम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। आप सुनो भगवान जी, इनके पास वक्त नहीं ऊपर आने का, आप बाद में आना। देखो मैंने बोल दिया। उनसे क्या कह रहे हो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, भूत बन के घुमा करूंगी तुम्हारे आगे पीछे। हे कंचक पूजा, मैं तुमसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकला जाता। अब मैंने तुमसे शादी तब की थी जब उसको सब कुछ मालूम था। He knew the entire truth. Of course he accepted me, क्योंकि उसको नून परिवार का घर जमाई बनना था। He is the real gold digger. Shut up, Eva. He loves you a lot. Shanaya, क्या gold digger, gold digger? इस शब्द से मुझे नफरत है। इतना तो गोल्ड भी नहीं हमारे पास यार। गोल्ड डिगर रियली वन साइडेड लव। मेरे प्यार को तो आपके प्यार ने भगा दिया ना। रीवा, आई वाज चीटेड ऑन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। सो वाज आई बाय यू एंड पा। मेरे को बच्चे नहीं थे, थिंग्स आर डिफरेंट, यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी समायरा। एंड यू थिंक आई वांट अ रिलेशनशिप एडवाइस फ्रॉम यू? लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, आपने अपनी मन की, नाउ लेट मी फॉलो माय हार्ट प्लीज। मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? बिकॉज़ आई वांट द ऑनर्स टू बी ऑन यू। ना तुम अपनी मैरिड लाइफ स्क्रू अप करते, ना मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतती। लिसन, लाइक हाउ यू लिविंग इन योर पास्ट ना, वैसे मैं भी अपने पास्ट में लिव कर रही हूं, एंड अंगद इज द लव ऑफ माय लाइफ। डू यू माइंड? द वे यू स्टिल मैरिड टू पलक, आई स्टिल लव माय एक्स। ये शादी ना कैद है मेरे लिए, एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट अनलाइक यू। अब ये फूल छोटे थे ना पहले, हां बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए ना। अरे भाई, वो जो फूल है बाहर, 6 साल पहले छोटे से थे, अचानक से बड़े हो गए। इस घर में सब कुछ बड़ा हो जाता है, क्यों? वो नंदा अंकल का बेटा, वो भी बड़ा हो गया होगा। He's a lawyer, right? हाँ भैया, he's a lawyer. मुझे उसका नंबर चाहिए। क्यों? I need a divorce. मुझे पलक से तलाक चाहिए। क्यों? Why after so many years? Because she's come back. After so many years. वो जो दिया जी है ना, उसकी औलादें हैं जो उसने विक्रांत से की। She's come back in my life. और वो रीवा का तलाक कराने पे तुली हुई है। I need to get rid of her legally, once and for all. Yeah. Send me that number. Bye. मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू।
सुबह से काम कर रही हूँ और तुम ये छुपे नीचे जाना देख रहे हो। इधर आ मेरी पताका। वो देख, कीमोन मंकीज़ आर सो क्यूट। वैसे भी मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, तू भी करना? नहीं, मुझे बहुत काम है और तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज। अभी उठो और कपड़े पे क्लॉथ लगाओ। ना लुक एट देम, तुझे मालूम है ये जो कीमोन मंकीज़ है ना, बहुत ही लॉयल किस्म के होते हैं। एक बार जब किसी के साथ जोड़ी बन जाए ना, फिर ये जिंदगी भर नहीं तोड़ते। तो तुम इनसे क्या सीख रहे हो? तुम्हारे काम की चीज थोड़ी है। कितनी गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? 300 एंड क्या क्या नंबर थे जो तुम ऐसे शू कलेक्शन देखते थे, मतलब लड़कियों को बताते थे? तब मैं इंसान था ना, अब मैं मंकी बन गया हूँ। क्लाइंब अ ट्री मंकी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दी और भाभी को कैसे मिलाएंगे यार? रीवा दी वोंट इवन लुक एट भाभी, यू नो ना हाउ इट इज। काश तुझे भगवान ने ये बॉडी के साथ साथ थोड़ी अकल भी दी होती। सच में तुझ में ना अकल तो बता दे आइडिया। बेटा तेरे ये बोलने से पहले मैंने आइडिया सोच के रखा था। क्या है ये तेरी फटी दिमाग में? इधर आ तो मैं बताती हूँ। दिस इज नॉट हैपनिंग। अरे कम ऑन यार, ब्रिलियंट आइडिया है। तुमको पता है ना टी पार्टी में क्या हुआ था? आई डोंट वांट अनदर गुफा। इसलिए तो कह रही हूँ आज की पार्टी में ओनली क्लोज फ्रेंड्स एंड बेस्टीज। या मरवाओगे ना तुम? देखो सोसाइटी कमिट करना है तो हरिद्वार चलते ना, सब डूब मरते हैं एक साथ। ओके हेलो। हाय। स्पीकर स्पीकर स्पीकर। अच्छा बीबी? कुछ नहीं यार, रोज लाइफ का नया नया कुछ ना कुछ अलग ड्रामा होता ही रहता है। क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस? एक्चुअली रहने दे। अच्छा हाउ इज बीपी अंकल? यार वो मेंटली इतनी अपसेट है कि फिजिकली कैसे ठीक होंगे। इतना जिद्दी इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा। एनीवेज तू बता क्या चल रहा है? बस ऑल गुड यार। अच्छा सुन ना पलक, आई कॉल्ड यू बिकॉज मुझे ना एक फेवर चाहिए तुझसे। हाँ बोल। प्रॉमिस कर तू ना नहीं कहेगी। अरे बता ना पलक, मैंने ना अपने घर पे गर्ल्स नाइट आउट रखा है। पजामा पार्टी? बेब तेरे बच्चे स्कूल में, तू नहीं? कम ऑन यार, वी गर्ल्स आल्सो नीड टू हैव सम फन राइट? गर्ल्स आंटीज बुलाते हैं यार लोग अब हमें। अबे तू होगी आंटी, मैं नहीं हूँ। अच्छा सुन ना, मैंने नाइट आउट तो रखा लेकिन रोहित की ना तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। क्या हुआ रोहित को? नहीं नथिंग सीरियस, जस्ट कोल्ड एंड कफ, बट आई थिंक ही शुड रेस्ट इट आउट। तो मैं सोच रही थी कि नाइट आउट तेरे घर पे करें क्या? मेरे घर पे? हाँ आई मीन व्हाई नॉट। देख कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुझे किचन विचन कुछ नहीं संभालनी है, सब मैं संभाल लूंगी। ओके देख यार क्या हो रहा है ना कि पिछले दो बारी से मैं इन आंटियों को अवॉइड कर लूँ और तीसरी बार मैंने अपने घर पे रखा तो रोहित की तबीयत खराब होगी। अब मैं मना करूंगी ना तो ये आंटियां मुझे बहुत जज करेंगी यार। कितने लोग आ रहे हैं? अबाउट 10। बट बच्चों का क्या करेंगे, तेरे बच्चे मेरे बच्चे? बच्चों का तो टेंशन मत ले, बच्चों के लिए मैंने एक बहुत अच्छी बेबी सीटर ढूंढी है। ओके यस बाय। फाइनली अब शिवम तुझे जाके रीवा दी को पलक के घर लाना है। हेलो। हाँ शिवम। मान गई रीवा? अरे इंसान हूँ मैं, मेरा दिन का चैन ही नहीं हूँ। कर रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा टाइम दो। क्या है ना रीवा दी को मनाना पड़ेगा। अमन, अमन बाबा। ओए, मैं धर्मशाला जा रहा हूँ भाई, वहाँ पे आश्रम में जाके आराम से मेडिटेशन करूंगा, कुछ दिन विपासना करूंगा, योग करूंगा, ऐसा ही प्लान है। कोई हिप्पी आश्रम होगा, बहुत सारे फ्रॉड्स हैं वहाँ पर, ये क्या है ये सब? ऐसा कुछ नहीं, मैं सद्गुरु आत्मन, मेरा मतलब है कि सत्पुरुष चिंतरम आत्मन जी के आश्रम में जा रहा हूँ। देखो ऐसा है ना कि लाइफ में हमें जो चाहिए वो तो मिलता नहीं, और जो हमारे पास होता है उसकी हमारे पास कदर नहीं है कि नहीं? मोह से मुक्ति का कोई रास्ता तो मिले। मुक्ति? मेरी बात सुन, तू भी चल। नहीं अभी थोड़े से पाप करने हैं मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल तेरा ये भूत उतारना, ये मिला कहाँ से तुझे? देख मेरे भाई, मुझे ना अपने आप को ढूंढना है, सो आई रियली नीड दिस।
मुसाफिर हूँ यारो। जी गुरुजी, जी 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 जी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। अरे ये तो मेरी उम्र है सन्यास लेने की, ये लेकर जा रहा है, कोई तो मेरे बच्चे को रोको। अरे आप स्ट्रेस मत लो, आप अपनी तबीयत का ध्यान दो, मैं रोक लूंगा इसको, जस्ट अ फेज। अगर ये चला गया ना रिकी, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। अरे यार आप चिल करो ना यार। Annie, I'm so happy that you're here. Yeah. I know Palak ke yahan pe aake it's a little awkward, but you know how it is now with kids. To isliye yahan pe rakh liya. I hope you're fine. You know what? It's okay. But to be very honest, my loyalty is with Ritwik. वैसे मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, बट रिकी ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड यू यू माय सिस्टर इन लॉ एंड पलक, वेल आई डोंट नो। अब रीवा कहाँ रह गई यार? The moment I saw you, the world seems to have vanished. Meeting you was my fate, knowing you was my luck, but falling in love was my destiny. Come on, Annie, man. Yep. Annie, dude, kahan hai tu? Girls night out. Where are you? Tu aa rahi hai na? Aa rahi hu yaar, I'm coming. Agar nahi aayi na to meri suhagraat ban jayegi aaj hi. Oh. Brother, he is your husband. Annie, you don't understand. मैं आ रही हूँ और अभी आ रही हूँ, okay? Cool. वैसे, let me tell you one more thing. Venue change हो गया है. Now it's at Palak's place. What do you mean it's Palak's place, यार? यार अगर पलक वापस आ गए, तो does that mean सेतु हमें force करेगी उसके साथ bond करने के लिए? यार, there's a limit to things. Annie, सेतु ना तेरी रिश्तेदार है. And that's why I'm friends with her. But that doesn't mean कि मैं ये सब ड्रामा लूंगी यार, और पलक का I can't do it anymore. यार तुझे पता ना हमारा घर क्या हो चुका है यार, पता है सब ने अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करके आए, और हमारे घर पे ना नैनी और किड जोन बन चुका है, तो वहाँ पे पार्टी नहीं हो सकती यार। क्या यार एनी यार, मतलब मेरी ना पूरी लाइफ ऐसे ना अनअवॉइडेबल लोगों का लूप हो गई है ऑनेस्टली। एनीवेज आई एम कमिंग देयर, एनीथिंग टू गेट अवे फ्रॉम अमन यार। Rivadi is coming. हाँ शनाया दी, आपने कहा था बेबी सिटिंग करनी है, ये तो मॉन्स्टर्स है। मुश्किल वक्त सिपाही सख्त। अरे यार एक दिन तो पार्टी करने दे, कल को तुझे भी माँ बनना है ना? नो वे, मुझे कभी माँ नहीं बनना, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए शैतान। डार्लिंग अभी मैं सिंगल हूँ और तू एक जिम्मेदार माँ, यू कैन एस्केप। हाँ नो वे। अरे बाबा योगी, मोक्ष मिले तो हमको भी बांट देना। ए वो बाबा ग्लास में पी रहे, कमंडल भी नहीं। बंधो, ये मजाक का विषय नहीं, समझे तुम? एनीवेज मैं जरा मूत्र विसर्जन करके आता हूँ, आगे की बात बाद में करेंगे। मूत्र विसर्जन? बड़ी मुश्किल से मनाया उसे मैंने, कुछ दिन रहने के लिए, थोड़ा सा तो आ गया उसका। ये शादी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूटता है तो मैं बहुत गंदे वाले गिल्ट ट्रिप पे जाने वाला हूँ। सारी शादियों में अप्स एंड डाउन्स आते हैं यार, वी जस्ट हैव टू स्टैंड अप टू इट एंड मेक थिंग्स वर्क। हमारी फैमिली में वैसे भी कौन सी शादी निपटती है मुझे बताना यार। शादी किसी डिस्प्यूट की वजह से या फिर किसी धोखे की वजह से टूटती है। एंड अमन, ही इज अ थोरो जेंटलमैन, इज ही अब्यूसिव, वुमनाइजर है, ड्रिंक करता है बहुत ज्यादा। नो राइट, देन व्हाट्स योर रीजन, तू क्यों से रिवर्स करना चाहती है? अरे यार ऐसे गाइस, कितना सही हाइड आउट है ना पलक का घर। या या इट्स अमेजिंग इजंट इट। वेलकम होम। चल अननी गेम शुरू कर। यू नो व्हाट, यू आर सच अ बिच। क्यों बिच? अरे कम ऑन, पता है अपने पार्टीज में मुझे क्यों बुलाती है? एमसी के लिए ना, मैं तुम्हें ना नेक्स्ट टाइम से पार्टी में नहीं आ रही हूं। मैं नहीं आऊंगी, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं आ रही। कम ऑन, तू आएगी, आई नो तू आएगी। आई लव यू टू। I just only love alcohol and please get me a beautiful lady. Hey, Shanaya, क्या हुआ? तू यहाँ पे क्या कर रही है? बच्चों को अकेला छोड़ के आ गई? Okay, chill, chill, chill.
nanny.com. आप भी डाउनलोड कर लो. इनफैक्ट आप ही के एरिया से आई फाउंड 5 नैनीज टू हैंडल दोस एलियंस. ओ गॉड, शनाया उन बच्चों को कोई उठा के ले गया तो आपका धन्य हो जाएगा. शनाया चिल, इट्स अ वेरीफाइड प्रोफाइल एंड दे हैव गुड रेटिंग्स. नथिंग टू वरी अबाउट. वेरीफाई टेंशन दे दी तूने मुझे. चिल ना, हर थोड़ी थोड़ी देर में हम उन्हें वीडियो कॉल कर लेंगे. और वैसे भी हुन दसो इत्थे की डेवलपमेंट हैगा. होने आई है. वैसे रीवा को लूजन अप करने के लिए कुछ करना पड़ेगा यार. हो जाएगा. शॉट, व्हाट आर यू सेइंग? ऑसम. चल बेलास, लेट्स गेट ड्रंक टुनाइट. सो आवर टोस्ट ऑफ टुनाइट इज टू आवर इमरजेंसी होस्टेस डॉक्टर पलक. यू रियली सेव्ड अस. एंड आवर सेकंड टोस्ट, जिन्होंने अब तक नोटिस नहीं किया है. सो गाइस, फिर से एक बार रंग में भांग दी रीवा. थर्ड टोस्ट टू योर हस्बैंड्स, आई मीन तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती जिसे तुम आज रात भूलना चाहते हो. एम आई राइट? सॉरी, ओप्स, सॉरी. सो गाइस, नो मोर एन 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 मींस नैनीज, नैपीज, नाना, नानू, व्हाटएवर. गाइस, लेट्स गेट ड्रंक. I hope your friends are happy. अभी कहाँ? अभी तो घर गंदा करेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे, ग्लास तोड़ेंगे, then they'll be happy. रीवा यहाँ पे? चिल, उस दिन हाईटी वाले ने थोड़ी सी बहक गई थी. After few drinks she's sober, so relax. क्या? तुझे भी लगता है कि नूंस की लाइफ में जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है? पलक, इस सब के बारे में अभी क्यों सोच रही है? उससे पूछ लेना. अच्छा, मैं आ रही हूँ, बाय. आप लोग अपने बीवी के बारे में बिच नहीं करते हो? हाउ अबाउट वी बिच अबाउट रीवा? ओ भाई, बुरा मान गया आप. भाई योगी, तुम तो बुरा नहीं माने, मतलब सेतु इतनी लविंग है ना. आई एम सो लकी, थैंक्स टू रिकी. वैसे रिकी, एक बात बताऊं, तुझे ना अनन्या से शादी करनी चाहिए थी. इससे मेरा मुंह मौन है. तो तुझे भी रीवा से शादी नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी की ना. इट्स ऑल डेस्टिनी. इससे भी मेरा मुंह मौन है. इज इट? मेरे खामोश जवाब इज दैट आई स्टिल लव रीवा. यू माय फ्रेंड, यू हेट पलक. नो 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 नो, इट डजंट हेट पलक. ए भाई, पलक के फ्लैशेस आते इसको ऐसे ऐसे. एक रिंग में खेल कर गया था. तू उस दिन वाला बोल ना, मीटिंग कैंसिल किया तूने, कैफे वाला बोल बोल. यू नो व्हाट, पलक अच्छी लड़की नहीं है, वो किसी को नहीं पसंद. शी इज अ बिच. अबे शी वाज फास्ट फॉर रिकी यार. ब्रो, वो एक मिडिल क्लास लड़की थी. ट्रस्ट मी, वो एक मिडिल क्लास लड़की थी. बट यार, अब किसके मन में क्या चल रहा है, यू जस्ट नेवर नो. शी वाज हॉट. तभी तो अपना लांडा फिसला. वो डॉक्टर थी ना, तेरे टक्कर की थी, क्वालिफाइड थी, इसीलिए इंप्रेस हुआ उससे. नहीं नहीं नहीं, ये सब क्यों हुआ है पता? मैं जानता हूँ क्यों हुआ है. ये इसलिए हुआ है क्योंकि उस लड़की ने रिक्की की ईगो को चैलेंज किया था. कैन यू गाइस शट अप नाउ? हां राइट. बट ये कौन सा किस्सा है, मुझे क्यों नहीं पता? मैं बताता हूं ना तेरे को. तेरे को नहीं पता? पर पलक ने उसको पलट के भी नहीं देखा, पता है? ईगो है उस बंदी में इतना. जब शराब पचती नहीं है तो पीता क्यों? शांतम पापम. ओह गॉड. ओके, तुम्हारी लैंग्वेज में बात करते हैं. जो टूट रही है उसको बचाने के बारे में सोचो, फोकस करो.
रीवा तुम कुछ लोगी? डिवोर्स। तुमने कुछ लिया? सॉरी, ये सिंगल बेचारी महा का रोल करके किसी नए बंदे को पिटाने जा रही हो? I'm really sorry babe, but it's not working. मुझे लगा तुम्हें बहुत कुछ मिल चुका होगा, but I guess with you, it's never ending.